हेलो दोस्तों मेरा नाम है इमरान है और आपके घर इमरान तो दोस्तों आज एक्चुअली एक चीज़ के लिए आपके सामने आया हूँ चीज़ क्या है जो हम हर रोज हर दिन जो कपड़ा पहनता है उस कपड़े को कैसे तैयार किया जाता है और कैसे उसको तैयार किया जाता है ये चीज़ दिखाएंगे आप सबको तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके बाद कार्डिंग उसके बाद ड्राफिंग उसके बाद यूनिलैब उसके बाद कॉम्बर उसके बाद फिनिशर ड्राफिंग उसके बाद स्पीड फ्रेम उसके बाद रिंग फ्रेम उसके बाद रिंग कॉर्नर उसके बाद सीजर मशीन और अंत में पैकेजिंग हमारे ट्रेनर आपको सभी प्रक्रियाएं समझाएंगे वे तो दिखाएंगे सबसे पहले यहाँ पे मैं बलोरूम लाइन से शुरू करूँगा कपास जो हमारे यह यहाँ आती है बेल के रूप में आती है उसको खोला जाता है और उसकी सफाई की जाती है उसके बाद बलोरूम में उस बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है उसके बाद यदि कपास के अंदर किसी प्रकार का सीट कोट डैश ट्रेस आदि होती है वो यहाँ पर मशीनों द्वारा निकाला जाता है उसके बाद कपास में यदि किसी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु होती है जैसे पंख रंगीन रेशे बाल प्लास्टिक लोहे के तार आदि होती है तो उसको भी इसी ब्लोरम लाइन में निकाला जाता है ब्लोरम के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसका नाम है कार्डिंग मशीन कार्डिंग मशीन में हम कॉटन के रेशों को अलग-अलग करते हैं और उसको सीधा करते हैं इसमें कॉटन में यदि किसी प्रकार का टेस सीड कोर्स छोटे रेशे आदि होते हैं तो उनको भी कार्डिंग मशीन द्वारा अलग किया जाता है इस कार्डिंग मशीन में खुले हुए अच्छे कॉटन के रेशों को इकट्ठा करके रेशे, फाइबर के को हम नेप्स करते हैं, उनको भी अलग किया जाता है कार्डिंग मशीन के बाद जो अगली मशीन आती है उसका नाम है कार्ड से, कार्ड मशीन निकले हुए मोटे और पतले फ्लाइवर को मिश्रित करके एक समान बनाया जाता है

इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रेकर ड्राफ्टे मशीन से निकले हुए सलाइवर में आई हुई असमानताओं को दूर करना ब्रेकर ड्राफ्टेम के कई सलाइवरों को एक साथ लगाकर मशीन में लगे रोल की सहायता से उन्हें खींचकर कुंंबर मशीन में लगने चलने वाले लैप का निर्माण करना इस मशीन में मुख्यतः लैप का निर्माण होता है यूनि के बाद जो अगली मशीन आती है उसका नाम है कुंंबर कुंंबर मशीन को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं जैसे कि हम अपने बालों में कंगी करके साफ करके उनमें लगी गंदगी दूर करके उन्हें साफ करते हैं ठीक उसी प्रकार कॉम्बर मशीन के द्वारा यूनिलेप से बनाए गए माल को कंघी द्वारा साफ करके सिलाईवर के रूप में तैयार करते हैं कॉम्बर मशीन का मुख्य काम कॉटन से शॉर्ट फाइबर निश्चित लंबाई से कम लंबाई के रेशों नेप्स डस्ट को निकालना और सीधे और रेशों को सीधा करना है कॉम्बर के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसका नाम है फिनिशर डाफ इस मशीन में की क्वालिटी को आखिरी बार सुधारा जा सकता है यदि में किसी प्रकार की कोई भी कमी आती है कहीं से मोटा पतला आता है तो इस मशीन में उसको सुधारा जाता है फिनिशर फिनी के बाद जो अगली मशीन आती है उसका नाम है स्पीड फ्रेम स्पीड फ्रेम में हम फिनिशर ड्राफ एम से लाए गए बनने वाले धागे के काउंट के मुताबिक खींच कर पतला करते हैं उसे रोविंग कहते हैं स्पीड फ्रेम में रोविंग बनाते समय उसमें कुछ मजबूती देने के लिए हम रोविंग में आगे वाले रोल और ट्विस्ट मास्टर की सहायता से एठन प्रदान करते हैं स्पीड फ्रेम में बनी हुई रोविंग को हम रिंग फ्रेम में चलाने के लिए स्पीड फ्रेम की बोविन पर लपेटते हैं स्पीड फ्रेम के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसका नाम है रिंग फ्रेम स्पीड फ्रेम में जो हमने रोविंग बनाई है उसमें हम ड्राफ्ट देके उस काम धागा तैयार करते हैं हम वो कहते हैं यहाँ पर कॉटन का धागा तैयार करते हैं वो धागा फ्रेम में ए, ट्रेवलर के द्वारा ट्विच देकर तैयार किया जाता है रिंग फ्रेम के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसे हम वाइंडिंग मशीन कहते हैं या लिंक कॉर्नर कहते हैं इस बाद में रिंग फ्रेम से बने धागे को फॉल्ट रहित करके निश्चित माप के कौन तैयार किए जाते हैं इस विभाग में मुख्यतः निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं नंबर एक रिंग फ्रेम बॉबिन से धागा उतार कर पेपर कोन अथवा प्लास्टिक के कोन से निश्चित माप के अनुसार कोन तैयार किया जाता है रिंग फ्रेम धागे से फाल्ट को दूर करके बाजार में बेचने हेतु तैयार किया जाता है कोन का साइज और वजन को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है वाइंडिंग मशीन द्वारा हम धागे की बिना गठान लगाए एक निश्चित लंबाई का धागा तैयार करते हैं वाइंडिंग मशीन के बाद कोनर के बाद हमारी जो अगली मशीन आती है उसको सीजर मशीन बोलते हैं यहाँ पर दागे में नमी प्रदान की जाती है सीजर मशीन से माल निकलने के बाद उसको कार्टून के अंदर पैक किया जाता है और उसको फाइनली गोडाउन में डिस्पैच के लिए रखा जाता है धन्यवाद